सभी ने राम राम भाई, कैसे हो आप सब। हिंदी साहित्य की किताब जो सभी सभी बच्चों को डिमांड में देती है, ठीक है। आजकल तो डिमांड में 75 डे हार्ड चला हुआ है, लेकिन 75 डे हार्ड से ज्यादा डिमांड में है हिंदी साहित्य, क्योंकि ना तो तुम्हें पहलवान बनना है, ना तुम्हें मेंटोर बनना है, फिलहाल तुम्हें यूपीएससी का पेपर क्लियर करना है। और हिंदी साहित्य की किताब की डिमांड जो है वो बार बार यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आ रही है। पिछली बार वीडियो बनाई थी, लेकिन वो हमारी टेक्निकल टीम ने करप्ट कर दी, तो नोट्स की अलग थी और बुक की अलग थी। तो मैं सोचा भैया फिलहाल जो है ना रिस्क नहीं लेते, दोनों की एक साथ बना देते हैं। तो ये है आपकी किताब, ये आपके नोट्स है जिसमें 4 बुकलेट हैंड रिटन नोट्स की है। और ये वो चीज है जो इंसान पैसे में भी खरीदेगा तो हम नहीं देंगे, क्योंकि हम इनके साथ में ये फ्री है, ठीक है। और वो 4 चीजों की अपडेट है। और मेरी हमेशा वीडियो में एक सबसे खास बात होती है कि लोग नोट्स के बारे में बताते हैं, लेकिन मैं अपडेट के बारे में बताती हूँ, इसीलिए मेरा नाम प्रिया चौधरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बुक्स रूजी चैनल के थ्रू। भाई सबसे पहली बात तो जो किताब है उसके बारे में बात करते हैं। पहली किताब है बेटा मैला आंचल, ठीक है। दूसरी किताब है कुरुक्षेत्र, ठीक है। तीसरी है अषाढ़, ये पढ़नी है हिंदी साहित्य वालों को। नोट्स एक साथ ही बता देती हूँ, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भारत भारती, उसके बाद है चिंतामणि, उसके बाद है प्रेम मंजूषा, निबंध निलय, ठीक है। एक दुनिया समांतर, और कुछ गलती होगी तो माफ कर देना, ठीक है। स्कंदगुप्त, ठीक है। महाभोज, ठीक है। दिव्या, उसके बाद गोदान है, ठीक है। कमायनी, उसके बाद है भारत दुर्दशा। तो ये तो किताब हो गई भाई आप लोगों की हिंदी साहित्य की। उसके बाद नोट्स के बारे में बात करते हैं। तो हिंदी साहित्य की ये बुकलेट्स है भाई मेरे बच्चे, ये देखो ऐसे, ठीक है। ये प्रिंटेड फॉर्म में बुकलेट है मेरे बच्चे, ठीक है। आप देखो तो ये प्रिंटेड फॉर्म की मैं 14 बुकलेट हटा रही हूँ। 14 में जो 4 है नीचे, इसके अंदर जो 4 बुकलेट है हिंदी साहित्य की, ये देखो ये क्लास नोट्स है, ये हैंड रिटन है, ये देखो। अब जैसे कि मैंने बोला 14 बुकलेट है और 4 जो है हैंड रिटन है, तो भैया ने बोला 14 बुकलेट है, लेकिन हम मास्टर है, 14 बुकलेट नहीं है बेटा, 13 किताबें है ये, 14 नहीं है। तो 13 जो किताबें है, ठीक है, 13 जो है बेटा वो है प्रिंटेड फॉर्म में, 13 प्रिंटेड फॉर्म में है ये, ठीक है। उसके बाद 13 के बाद जो ये मैंने आपको दिखाई है ना, ये वाली पूरी, ये है 13, इन्होंने टोटली 14 बताई है, ये 13 है, ठीक है। उसके बाद जो ये यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, ये 4 जो है मेरे बच्चे ये हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो 13 जो है बच्चों वो प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स है, और 4 जो है बच्चों हैंड रिटन नोट्स है। 14 ये किताबें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। अगर आप बुक मंगवाते हो तो आप लोग चेक कर लेना कि कौन सी बुक नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या चीज फ्री मिलने वाली है, ये सब बेकार है जो मैंने आपको बताया, जिसको आप पैसों में खरीदोगे, लेकिन वो अनमोल चीज जो फ्री में आपको मिलेगी इन बुक्स के साथ, अलग से नहीं मिलेगी, ठीक है। अब की बारी ऐड हुआ बेटा, ठीक है। 11वीं 12वीं की हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय, ये 2 चीजें ऐड हुई है किताब से। तो अब किताब तो आपको मिलेगी नहीं, ये फोटो कॉपी फॉर्म में आप लोगों को मिलेगा, और फोटो कॉपी जो है वो काफी अच्छा है, देखो, ठीक है। ये आपको फ्री दे रही हूँ, इसे जरूर पढ़ना मेरे बच्चे इसके अलावा, ठीक। उसके बाद में दृष्टि का, जो आपको पता है रवि कुमार सियाग जो है वो टॉपर है, तो उनका हैंड रिटन नोट जो है, ठीक है। उसके बाद में दृष्टि ने अब की बार बहुत बेहतरीन चीज निकाली है हिंदी साहित्य में, मॉडल उत्तर 500 प्लस निकाला है ये, तो हो सकता है किसी के पास में किताब हो, ठीक है। और भाई नोट्स बनाने के लिए स्टिकी नोट्स, मैं पता है ये फ्री क्यों देती हूँ, ताकि तुम्हारी एक आदत बनी रहे। दूसरी बात है, एक और हिंदी साहित्य की सिविल हिंदी साहित्य की किताब है, सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित, जो कि क्रॉनिकल की है, जिसमें 17 वर्षों के हल प्रश्न पत्र है, एक ही आपको पढ़ना है। तो हिंदी साहित्य वालों को कौन सी किताब पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, तो नोट्स में कितना तरह का नोट्स आता है कि भाई 13 जो होता है प्रिंट वाला आता है, 4 जो होता है हैंड रिटन आता है, फिर उसमें दृष्टि ने क्या ऐड करा, फिर उसमें टॉपर का क्या है, और उसमें 2 जो आपको नहीं मिलेगी किताब के फॉर्म में, ये 2 किताबें। तो भैया ये पूरा अगर आपके पास में सेट नहीं है तो मंगा लेना राय बुक शॉप से, पूरी डिटेल में दे दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी है। दूसरी चीज है, आपके पास है और कोई किताब अगर नहीं है तो फिर आपको मंगानी पड़ेगी, क्योंकि देखो फ्री वाले तो आपको बच्चे खरीदनी ही पड़ेगी, सेट में ही फ्री है, ठीक है। कोई चीज नहीं है तो अलग से मंगा के अपने सेट को पूरा कर देना। खैर अब मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में और चीजों के साथ में, जब मुझे टाइम मिलेगा तब तक वीडियो आती रहती है। मतलब ये जो चैनल है ये इसलिए नहीं है कि व्यूज लेने हैं या कुछ चीज बेचनी है,
जब मुझे समय मिलता है तब मैं बताने आ जाती हूँ। तो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है मैं एक डेढ़ महीने तक वीडियो ना बनाऊँ, है ना, और हो सकता है कि एक महीने में लगातार बना दूँ। ये बच्चों के डिमांड के ऊपर वीडियो बनती है। तब तक के लिए मिलता है आप लोगों को जल्दी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राय बुक शॉप का एड्रेस डिटेल सब कुछ आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो बहुत मारूंगी फोन में से निकल के। बाय बाय, लव यू ऑल।